होममेड पिज्जा। गट्टू चिंकी स्कूल से घर लौट कर आते हैं। दोनों एकदम खुश होते हैं क्योंकि आज उनका रिजल्ट जो आया था हाफ ईयरली परीक्षा का। मम्मी मम्मी किधर है आप? मम्मी हमारा रिजल्ट आ गया। अरे आ रही हूँ बाबा, कितना शोर मचा रहे हो। मम्मी मम्मी जल्दी आओ ना। अरे आ गई बाबा, स्कूल से आए नहीं कि उधम शुरू। मम्मी मैं क्लास में थर्ड आई। और मैं फर्स्ट। अरे वाह, मुझे मालूम था ये। लव यू बच्चों। लव यू टू मम्मी। लेकिन आपको कैसे पता? माँ हूँ मैं तुम दोनों की, समझे? इतना मन लगाकर पढ़ाई की थी तुम दोनों ने, नंबर तो अच्छे आने ही थे। लेकिन मम्मी मुझे फर्स्ट आना था। आप और मन लगाकर मेहनत करना, फाइनल में आप फर्स्ट आ जाना। नहीं मैं तब भी फर्स्ट आऊँगा। हाँ हाँ चलो अब आपस में लड़ाई करना बंद करो। मैंने तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज बनाया है, फटाफट फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। सरप्राइज? वाओ मैं अभी आया चेंज करके। तुमसे पहले मैं आ जाऊंगी। चलो दोनों टाइम रेस लगाते हैं। हे भगवान, हर जगह कंपटीशन। दोनों तेजी से कमरे की तरफ भाग जाते हैं। उधर मम्मी टेबल पर सरप्राइज को ढककर रख देती है। चिंकी भाग कर आती है। मैं फर्स्ट आई। हाँ हाँ आप बैठ जाओ अपनी चेयर पर। गट्टू भी भागे भागे आ जाता है। मैं भी आ गया। क्या सरप्राइज है मम्मी? प्लेट हटाकर खुद देखो। वाओ ये तो पिज्जा है। पिज्जा मेरा फेवरेट है। इतना सुंदर सरप्राइज मम्मी, लव यू। लव यू टू बच्चों। दोनों एकदम खुश होकर पिज्जा खाने लगते हैं। वाओ मम्मी इसका टेस्ट तो कितना अच्छा है, इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स भी डाली आपने। हाँ मम्मी, बाजार से मंगवाओ तो एक ही टॉपिंग देते हैं वो। आपने कितना टेस्टी पिज्जा बनाया है। तुम दोनों को अच्छा लगा ना? हाँ मम्मी मजा आ गया। लेकिन ये आपने बनाया कैसे, मुझे भी सिखाओ ना, मैं भी आपको पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी। आप अभी बहुत छोटी हैं। मम्मी मुझे भी बताओ, हम छोटे नहीं हैं अब, आई एम अ ग्रोन अप बॉय। ठीक है मैं सिखा दूंगी, लेकिन प्रॉमिस करो आप अकेले कभी नहीं बनाएंगे, मैं खड़ी होंगी तो सामने ही बनाएंगे। प्रॉमिस मम्मी। तो सबसे पहले जो भी टॉपिंग और सब्जियां हमको पसंद है वो इकट्ठी कर लो। जैसे चिंकी आपको मशरूम और शिमला मिर्च ज्यादा पसंद है तो आप वो ले लो। गट्टू आपको प्याज और टमेटो वाला पिज्जा पसंद है, सॉसेस भी सब बाजार में मिल जाते हैं। उसके अलावा जो भी पसंद हो जैसे कि ब्रोकली, मक्का, वो सब भी ले सकते हैं। वाह कितना मजा आएगा, ये सब तो सुपरमार्केट में मिल जाएगा ना मम्मी? हाँ वहाँ से सब सामान और पिज्जा का बेस लेकर आ जाएंगे। वैसे मुझे बेस बनाना भी आता है, लेकिन वो मैं बाद में सिखाऊंगी जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे। अभी क्यों नहीं मम्मी? उसमें काफी काम होता है, इसीलिए जब आप 8th क्लास में आ जाओगे तब सिखाऊंगी। ओके मम्मी, फिर टॉपिंग का क्या करना है? हाँ जो भी वेजिटेबल्स और बाकी टॉपिंग पसंद है सॉसेस की वो ले लो। उसके बाद पिज्जा बेस पर सबसे पहले उनकी लेयर बनाओ। मम्मी पिज्जा बेस कौन सा अच्छा रहता है, ये कैसे पता चलेगा? गेहूं का बेस्ट होता है, बाकी मैदे वाला डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगता है, इसीलिए हम सबको हो सके तो गेहूं के बेस वाला पिज्जा खाना चाहिए। मैदा खाने से पिछली बार मेरा पेट दर्द भी हुआ था मम्मी। हाँ तभी तो कहा गेहूं का बेस सबके लिए हेल्दी होता है, कोशिश करनी चाहिए कि उसे ही इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद क्या करना होगा? बेस पर पहले अपने हिसाब से चटनी या सॉस जो पसंद है वो लगा लो। उसके ऊपर सब सब्जियां लगा दो अच्छे तरीके से। मम्मी चीज? हाँ चीज उसके ऊपर बुरकना होता है। वो कैसे? वो एकदम छोटे कद्दूकस से कसकर डाला मैंने तो। उसको बारीक करने की मशीन भी आती है, उससे भी किया जा सकता है। मम्मी कितना यमी लगता है ना चीज। हाँ लेकिन वो भी लिमिट में खाना चाहिए बेटा, उससे फैट बढ़ता है। चिंकी गोलू मोलू मोटी हो जाएगी उससे, है ना मम्मी? हाँ लेकिन मुझे चीज टेस्टी लगता है। तो खाओ ना बेटा, हर चीज बस लिमिट में होनी चाहिए। अब आप अपने पिज्जा खत्म करो, एक पिज्जा मैं आपकी आंखों के सामने बनाऊंगी, आप उसको बनाने में मेरी हेल्प करो, सीख जाओगे। वाओ दोनों फटाफट अपने लास्ट स्लाइस खा लेते हैं।
चलो अब रसोई में चलते हैं एक और फ्रेश पिज्जा बनाने के लिए। फिर तीनों रसोई में आ जाते हैं। ये ले लिया मैंने बेस सबसे पहले, अब इस पर क्या करना है बताओ आप दोनों। मैं सॉस लगाऊं मम्मी? हाँ करो। चिंकी मेयोनीज डाल देती है और चिल्ली सॉस लगा देती है। मम्मी मैं ब्रोकली डेकोरेट कर दूँ इस पर? टमेटो और मशरूम मैं लगाऊंगी गट्टू। हाँ बाबा दोनों कर लेना एक एक करके। फिर दोनों एक एक करके टमाटर प्याज शिमला मिर्च मशरूम की एक एक लेयर लगा देते हैं। कितना सुंदर दिख रहा है पिज्जा। हाँ गट्टू मजा आ गया। मैं चीज को कस दूँ मम्मी? नहीं बेटा आप छोटे हो हाथ ना कट जाए। मैं आप दोनों को चीज कस कर दे देती हूँ, आप पिज्जा पर बुरक देना। ओके मम्मी। मम्मी चीज कस कर दे देती है, दोनों मिलकर पिज्जा पर बुर्क कर देते हैं। अब क्या करना है मम्मी? अब इसको ओवन में डालेंगे। ये आप क्या पहन रही है मम्मी? ये ग्लव्स हैं बेटा। हमेशा याद रखना ओवन में प्लेट डालते और निकालते वक्त हाथ में दस्ताने पहनना बहुत जरूरी है। नहीं पहना तो क्या हो जाएगा मम्मी? अरे हाथ जल जाएगा बेटा। वैसे आपको अभी ओवन यूज नहीं करना चाहिए, आप तो बस मुझे देखो। ओवन में पिज्जा पकने लगता है और दोनों कूदने लगते हैं। चिंकी देखो प्लेट अंदर घूम रही है। हाँ गट्टू मुझे तो खुशबू भी आने लग गई। बस 5 मिनट और फिर हम तीनों मिलकर खाएंगे इसको। थोड़ी देर में पिज्जा रेडी हो जाता है और मम्मी प्लेट में लेकर उसको कटर से काटने लगती है। अच्छा तो स्लाइस ऐसे बनती है। हाँ बेटा चलो अब डाइनिंग टेबल पर। गट्टू चिंकी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। मम्मी दोनों की प्लेट में एक एक स्लाइस रख देती है। वाव कितना टेस्टी बना है मम्मी। हाँ मजा आ गया। चलो आज आप दोनों इतने अच्छे नंबर लाए उसी का इनाम है ये। आप दोनों ने सीखा भी कि घर का बना पिज्जा कितना हेल्दी और टेस्टी होता है। हाँ मम्मी अब जब भी पिज्जा खाना होगा घर का ही खाएंगे। ठीक है चलो अब बाकी बची हुई स्लाइसेस भी खत्म करो। दोनों खूब मजे लेकर पिज्जा खा रहे होते हैं और मम्मी दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।